आप सबका स्वागत है। आज मैं, ये है मेरे हाथ में बेलन बाड़ी और ये है आटा, इसको गोंद के मैं एक रोटी बनाया हूँ। रोटी अभी उतना गोल नहीं है, तो मैं क्या किया हूँ, ये जो कलर का डब्बा है, कोई पुराना डब्बा यहीं पे मिला पास में, इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ ताकि मुझे एक गोल रोटी मिल जाए। देखिए मेरा रोटी अभी गोल बन गया। अब क्या करना है, मैं इस साइड का जो है उसको निकाल लिया। ये डब्बा बड़ा रहता तो मेरा गोल बड़ा होता, ठीक है कोई बात नहीं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक कट मार्क मुझे लेना है। इसे ले लिया मैं कट मार्क। अब सबको दिख रहा होगा कैसा हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसको हल्का उठाऊंगा मैं और ये जो कटिंग है इसको बैक साइड में दे देता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप का भी दिखता है, देख रहे हैं। ऐसे हो जाने के बाद इसको मैं अभी स्क्रॉल करूँगा। ये अब कुछ इस टाइप का हो गया, जिससे मैं स्क्रॉल कर दिया उसको। अब क्या करना है, दोनों साइड को बेंड करना है। मैं बेंड कर रहा हूँ अभी। ऐसे बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद वो अभी कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब ये जो कान है उसका, कान को थोड़ा लंबा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। वो कान टूट गया, ये कान को ऐसे नीचे कर देता हूँ। अच्छा, कान को लंबा भी ऐसे रखेंगे तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लंबा रख के देखते हैं कैसा दिखता है। ये तो एक साइड। अब देखिए ये तो पेपर है, ये पेपर को मैं ऐसे मसल के, पेपर उड़ रहा है इसको नीचे कर देता हूँ। ये पेपर को मसल के मैं ऐसे ऐसा छोटा छोटा गोला बनाया हूँ, इसको यहाँ पे दे देते हैं उसका आँख के लिए। ये हो गया एक आँख, यहाँ पे हो गया दूसरा आंख, दूसरा आंख के बाद ये हो गया उसका नोज, और यहाँ पे एक और एक पेपर काट के रखा हूँ उसका जीभ के लिए, जीभ को यहाँ पे घुसाएंगे। ये हो गया उसका जीभ। जीभ होने के बाद ये जो दोनों साइड में, इसको मैं हल्का ऐसे ऐसे कर देता हूँ। और इस तरह ये मेरा डॉग का एक फेस बन जाता है। देखिए एक डॉग का फेस बन गया। बार बार प्रैक्टिस करने से ये और भी सुंदर लगेगा। ये पहले एक बनाया था उसका छोटा, और ये हो गया बड़ा। आप सब देख पा रहे होंगे, इसका जीभ नहीं है, उसका जीभ। तो थैंक यू, माय नेम इज़ प्रबीर कुमार पात्र, आर्ट टीचर, डीवी दुग्धा। इसका थोड़ा आईब्रो बना देते हैं। आईब्रो बनाने के बाद थोड़ा और अच्छा लगेगा शायद। ओके बाय।